हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एक्सरसाइज 4.5, और ये इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। ठीक है, इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, हम लोग एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे। लेकिन आप लोगों को इस चैप्टर की प्रैक्टिस जरूर करनी है, क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा नया है, तो आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे तो बिल्कुल भूलेंगे नहीं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। सबसे पहले ड्रॉ अ फॉलोइंग, यानी यहाँ भी आपको एक क्वाड्रिलेटरल बनाना, और क्वाड्रिलेटरल क्या है? स्क्वायर है। क्या? रीड, रीड बोलो, डियर बोलो, कुछ भी बोल दो, है ना। तो वो क्वाड्रिलेटरल आपको बनाना है, और कैसे बनाना है? साइड तो एक ही दी है, फिर क्या करेंगे? देखो भाई, सबसे पहली बात कि जब आपको स्क्वायर बनाना है तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है? बिल्कुल बराबर होती है, सबको पता है। तो यानी सारी साइड आपको मिल गई, है ना। एक रफ स्केच यहाँ बना देते हैं। सारी साइड आपको मिल गई, आर ई ए डी। और जब बोल दिया नाम स्क्वायर, इसका मतलब एंगल भी कैसे होंगे? एंगल भी सारे के सारे 90 डिग्री के होंगे, है ना। कैसे होंगे एंगल? सारे के सारे 90 डिग्री के एंगल होंगे। तो परेशान किसी को नहीं होना, करना क्या है बस, पहले तो सबसे पहले लाइन ड्रॉ करो। कौन सी लाइन ड्रॉ करोगे? आर ई ड्रॉ कर लो, 5.1 आर ई। ठीक है, अब यहां पर 90 डिग्री बनाओ, यहां पर भी 90 डिग्री बनाओ। ये 90 डिग्री बन गया। कंपास की हेल्प से बनाओगे, डी की हेल्प कोई नहीं लेगा, ध्यान रखना, डी की हेल्प कोई नहीं लेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? डी की हेल्प किसी को नहीं लेनी है। अब क्या करोगे? कैसे बनाते हैं? ऐसे बनाते हैं, देखो ये 60 डिग्री, 120 डिग्री, और यहाँ काटा 90 डिग्री। ऐसे यहाँ बनाएंगे, ये 60 डिग्री, ये 120 डिग्री, और ये काटा 90 डिग्री। ठीक है, अब क्या करना है? 4.5, सॉरी 5.1 यहाँ कट कर लो, और 5.1 यहाँ कट कर लो। ठीक है, और इन दोनों को आप मिला दो सीधा, तो ये जो बनेगी ये अपने आप से 5.1 की बनेगी, और ये जो एंगल बन जाएंगे ये आपके ऑलरेडी 90 डिग्री के बन चुके होंगे। ठीक है, तो बन गया एक स्क्वायर आर ई ए डी, जिसकी साइड आ रही थी 5.1 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आ गया। चले आगे देखें क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, एक रोम्बस बनाना है जिसके डायगोनल दिए हुए हैं। देखो रोम्बस के डायगोनल की कुछ प्रॉपर्टीज, सॉरी रोम्बस की मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आपको बताई थी। क्या प्रॉपर्टीज बताई थी? एक तो जो रोम्बस होता है उसकी जो आउटर लाइन होती है, यानी बाहर की जो साइड्स होती है, वो सारी बराबर होती है। ठीक है, दूसरा जो रोम्बस के डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, है ना, परपेंडिकुलरली 90 डिग्री पर कट करते हैं। तो बनाते हैं चलो डायग्राम। सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ी वाली लाइन को ले लेते हैं हम नीचे, ऐसे बना लेते हैं। चलो 6.4, ये हो गया 6.4, इसको हमने नाम दे दिया ए, और इसको बोलते हैं बी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अपने कंपास में 5.2 फिल करेंगे, और ए पर पॉइंट रखेंगे, और एक आर्क इस तरफ लगाएंगे और एक आर्क इस तरफ लगाएंगे। ठीक है, फिर से अपने कंपास में वही फिल करेंगे, अब क्या डिस्टेंस 5.2, अब बी पर रखेंगे कंपास, और एक आर्क इधर और एक आर्क इधर लगाएंगे। ठीक है, और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे जहां भी आर्क ने कट किया है ना। जो आउटर साइड है इनको आप मिला दोगे, ठीक है, इस तरीके से इनको आप मिला दोगे, तो ये क्या बन गई आपकी 5.2 सेंटीमीटर बन गई पूरी। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी तबियत बस ढीली है। ठीक है, और यहां पर जो कट किया वो 90 डिग्री कट किया, है ना, 90 डिग्री पर कट किया। तो बन गया आपका रोम्बस जिसके डायगोनल 5.2 और 6.4 सेंटीमीटर थे। ठीक है, समझ में आया सभी को? इजी है ना, बना लेंगे सभी लोग, है ना, सभी लोग बना लेंगे, प्रैक्टिस करो। चलो फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो जल्दी से फटाफट, और कमेंट करो, मुझे बताओ कि कैसी लग रही है वीडियो, क्वेश्चन कैसा लगा, समझ में आया या नहीं आया, है ना। और ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं तो इस चैनल पे आप मुझसे पूछ सकते हो उन क्वेरीज को। ठीक है, क्लास की टाइमिंग सभी को मालूम है, 1:30 PM आपकी क्लास की टाइमिंग है, और ये क्लास का लोगो है। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करते हैं श्वेता क्लासेस के नाम से तो ये लोगो आपको दिखेगा, और वहां से मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखोगे, है ना, और लास्ट तक देखोगे तो ये जो
लोगो है ये आपको लास्ट में भी दिखेगा, आप वहां से भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो चले फिर अगले क्वेश्चन की तरफ। सब्सक्राइब जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हो वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई। देखो क्या बनाना है, रेक्टेंगल विद डिस्टेंस साइड ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। देखो रेक्टेंगल की भी सारी प्रॉपर्टीज में करा चुकी हूँ और आपको मालूम भी है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, है ना, और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो बनाएंगे राइट एंगल, बिल्कुल बनाएंगे। देखो क्या दिया हुआ है, लेंथ 5 सेंटीमीटर, तो आप इस लेंथ को यहां मान लो, लेंथ हो गई ए बी, ठीक है 5 सेंटीमीटर। अब इस पर आप 90 डिग्री बनाओ पहले, ठीक है, और 4 सेंटीमीटर कट कर लो, ठीक है सी बना दो, इस पर भी आप 90 डिग्री बनाओ और 4 सेंटीमीटर यहां भी कट कर लेंगे। ठीक है, बस अब ऊपर वाली साइड को ज्वाइन कर देंगे, तो ये दोनों साइड हो गई 4 सेंटीमीटर और ये वाली साइड आपको मिल जाएगी 5 सेंटीमीटर और ये एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्री और ये भी एंगल आपको मिलेगा 90 डिग्री। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है रेक्टेंगल और स्क्वायर के जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री होते हैं, है ना। स्क्वायर में सारी साइड्स बराबर होती है लेकिन रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। ठीक है, तो बन गया सभी का, इजी था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। पैरेललोग्राम बनाना है भाई, पैरेललोग्राम की शर्तें पता है ना, क्या शर्तें थी पैरेललोग्राम की बताओ जल्दी से। एडजेसेंट साइड के जो एंगल थे वो 180 डिग्री होने चाहिए, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, है ना, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं एडजेसेंट साइड में, बताओ क्या मैं सही कह रही हूँ, है ना, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है पैरेललोग्राम में। ठीक है, चलो तो बनाते हैं। क्या दिया हुआ है, ओके बनाना है, ओके ओके बनाएंगे, एक रफ डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरीके से, ओ के ए वाई। ठीक है, अब ओ के दिया हुआ है कितना, 5.5, ओ के 5.5 सेंटीमीटर और के ए दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर, के ए दिया हुआ है 4.2 सेंटीमीटर। तो क्या करेंगे भाई, एंगल तो कोई दिया नहीं है, है ना, कोई एंगल नहीं दिया हुआ, तो हम सिंपल 90 डिग्री का एंगल भी बना सकते हैं क्योंकि पैरेललोग्राम बिल्कुल सेम कैसा होता है, रेक्टेंगल के जैसा होता है, बस रेक्टेंगल में 90 डिग्री कंफर्म होता है लेकिन पैरेललोग्राम में 90 डिग्री हो भी सकता है, 90 डिग्री नहीं भी हो सकता। चलो आप ऐसा करो, 90 डिग्री मत बनो, हम यहाँ पर 120 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो हमने 120 डिग्री बनाया, ये यहाँ कट होगा थोड़ा सा, तो इसको हमने यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, अब के ए कितना दिया हुआ है, 4.2 आप कट कर लो इसमें से। ठीक है, अब एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट एंगल मैंने कितना बोला था आपसे, 180, तो भाई 180 में से 120 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 60 डिग्री। इसका मतलब कि ओ जो एंगल है, ऊपर जो एंगल बनेगा वो आपको 60 डिग्री बनाना होगा। ठीक है, वो आपको 60 डिग्री बनाना होगा, तभी तो ये दोनों ज्वाइन करके 60 प्लस 120 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब मैंने क्या बताया था, अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तो अगर ये 4.2 है तो ये भी तो 4.2 होगी, तो इसमें से आप 4.2 कट कर लेंगे। ठीक है, और ये इस तरीके से ज्वाइन कर देंगे, तो ये वाला एंगल जब आपका 120 है तो ये अपोजिट एंगल है इसका। ठीक है, तो ये भी कितना होगा 120 और ये इसका अपोजिट एंगल है, तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात, क्लियर हो गई ना बात। तो ये बन गया आपका, क्या बन गया, ये आपका पैरेललोग्राम बन गया। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको कोई मेथड आता है तो आप उससे भी बना सकते हो, लेकिन ये सबसे इजी मेथड था और मुझे लग रहा था कि मुझे आपको ये मेथड जरूर बताना चाहिए जिससे आप इजीली इसे कंस्ट्रक्ट कर सको। तो बातें क्या ध्यान रखनी है कि एक पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और जो एडजेसेंट एंगल होते हैं वो आपस में मिलकर 180 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप एक पैरेललोग्राम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 90 डिग्री क्यों नहीं बनाया मैंने, 90 डिग्री मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि अगर मैं इसको भी 90 डिग्री बना देती तो मैं वो वाली शर्त पूरी नहीं कर पाती जिसमें मैं ये बोल रही थी कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। भाई यहाँ तो चारों एंगल इक्वल हो जाते हैं, है ना,
चारों एंगल 90 डिग्री हो जाते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम की तो शर्त यही होती है ना कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो मैंने थोड़ा सा एंगल को बढ़ा दिया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो तो आज आपका ये चैप्टर 4 कंप्लीट होता है। अब आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे और कल हम मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। कमेंट करके मुझे जरूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपको समझ में आया है नहीं आया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करना है, अच्छा सा कमेंट करना है, और अपने दोस्तों को लाइक करना है, शेयर करना है। आप लोगों को सभी को लाइक करना है, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, वो लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।